मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए जैसलमेरी चने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप बहुत ही इजीली एक अलग ढंग से चने को बना सकते हैं अपने घर पे। तो आइए सीखते हैं जैसलमेरी चने बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप चने को, काले चने को रात भर सोक कर लिया था। इसे मैंने वॉश कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रात भर भीगे हुए चने थे। इन्हें अच्छे से वॉश करके आप इसका पानी निकाल दें। अब हम इस चने को बॉईल करेंगे। चने को बॉईल करने के लिए गैस पे कुकर चढ़ाएं। कुकर में आप ये जो काले चने थे जो हमने धो के रखे हैं और रात भर भीगे हुए हैं, इसे आप इसमें पूरा डाल दें। ये देखिए मैंने चने डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें आप पानी डालें, तो चने के हिसाब से आप पानी डालें। वैसे मैंने यहाँ अंदाजे से पानी डाला है, 2 ग्लास पानी डाला है इसमें मैंने। अब इसमें आप 1/4 चम्मच नमक डालें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि जो चने हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, ज़रा भी कच्चे नहीं रहेंगे। मिक्स करने के बाद आप ढक्कन बंद कर दें और करीब मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 विसल के लिए पकने के लिए छोड़ दें। जब तक वो पकता है तब तक आप एक मिक्सिंग बोल ले लें, उसमें 2 कप दही डालें। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डालें, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालें, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालें। अब इसमें आप 1/2 चम्मच नमक डालें और एक पिस्कर की मदद से दही के साथ सारे मसालों को अच्छे से फेंट लें। और ध्यान रहे, अच्छे से फेंट लें आप इसे, ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रह जाएं, क्योंकि जितना अच्छे से ये फिटा होगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी इससे बनेगी और ये हम ग्रेवी बनाने के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे। तो फेंटने के बाद आप इसे साइड में रख दें। अब देखिए, कुकर जब हमारा ठंडा हो चुका हो और 5 सीटी हो चुकी हों इसकी, तो इसकी आप गैस निकलने के लिए छोड़ दें। ये देखिए कुकर एकदम ठंडा हो चुका है, इसकी गैस निकल चुकी है। तो इसकी सावधानी से आप लिड खोलें और एक बार चेक कर लें कि चने अच्छे से पके हैं या नहीं। इस तरह आप चने को प्रेस करके देख लें कि वो अच्छे से पके हैं या नहीं। ये देखिए अच्छे से दब रहे हैं, मतलब चने अच्छे से पक चुके हैं। अब आप इसके पानी के समेत इसे अलग करके रख दें, हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब एक कढ़ाई को आप गैस पर चढ़ाएँ, उसमें करीब 4 बड़े चम्मच घी डालें। घी जब गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालें, 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई डालें। इसे करीब 1 मिनट के लिए आप अच्छे से घी में फ्राई कर लें ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसमें आप 4 बारीक कटी हुई प्याज चॉप की हुई इसमें डाल दें। इसे भी आप अच्छे से पका लें, जब तक जो प्याज का रंग है वो पिंक कलर, लाइट पिंक नहीं हो जाता, तब तक आप इसे पकाएं। ये देखिए प्याज हल्की हल्की पिंक होने लगी है। अब इस मोमेंट पे आप 1/4 चम्मच हींग डाल दें इसमें और इसे भी 30 सेकंड के लिए पका लें, हींग को मसालों के साथ अच्छे से। ये देखिए अब इसमें आप 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ये होगा कि जो कलर होगा ग्रेवी का वो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम रेड कलर आता है उसकी वजह से। अब इसमें आप जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था उसको आप इसमें पूरा डाल दें। इसे पूरा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करें। इस जब भी आप दही डालें तो दही को डालते समय गैस को स्लो फ्लेम पे कर दें, ताकि दही फटे नहीं, वरना वो फटने लगती है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद आप इसमें जो काले चने हमने बॉईल किए थे उसके पानी के समेत इसमें पूरा डाल दें। इसीलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, ताकि ग्रेवी बनाने में वो पानी हम इस्तेमाल कर सकें, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरह रेड रेड ऊपर आने लगेगा, इससे मतलब ये होता है कि मसाले अच्छे से पक चुके हैं। इस मोमेंट पर आप गैस को बंद कर दें, बारीक कटी हुई हरी धनिया से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जैसलमेरी चने की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।